इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की तारीफ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के बजट को बेहतर बजट बताया है। आज मीडिया से रूबरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बजट उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ मैदानी क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है। यकीनन मुख्यमंत्री इस बात से आश्वस्त हैं कि इस बजट से उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। आम बजट की हर तरफ तारीफ हो रही है। सीएम धामी ने आम बजट को भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट बताते हुए कहा कि इस बजट से मिडिल क्लास के साथ कम पूंजी वाले उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा। ये बजट कई मायनों में एक मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है और अमृतकाल का बजट है। इस बजट में इस स्वर्णिम काल में, जिसको अमृतकाल हम कह रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम काल भी है। इस स्वर्णिम काल में भारत की गति क्या होगी, भारत की दिशा क्या होगी, भारत दुनिया का कैसे नेतृत्व करेगा, उसकी एक छाप दिखाई गई। सीएम धामी ने मोदी कार्यकाल की भी तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार ने आम बजट को पास किया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए ये बजट काफी बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों के किसान मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मिलेट्स की यानी मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है, प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। इसी तरह से महिलाओं और युवाओं के लिए भी बजट में कई तरह के प्रोविजन किए गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि कौशल विकास के जरिए प्रदेश के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकेंगे। कैमरा पर्सन संदीप बड़ला के साथ मेरा मनुज, जी मीडिया, देहरादून।